नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या. भारतीय क्रिकेट संघ वर्ल्ड कप फायनल मध्ये जिंकावा यासाठी नागपुरातील बर्डी येथील राधाकृष्ण मंदिरात महायज्ञ करण्यात आला. या यज्ञातून भारतीय क्रिकेट संघ विजयी व्हावा यासाठी देवाकडे प्रार्थना करण्यात आली. तर महाल परिसरातील गांधी गेट समोर महिलांद्वारे ढोल ताशा आणि बँड पथकाद्वारे भारतीय टीमचा जोश वाढविण्यात आला. तर आजचा रविवार भारतीयांनी फक्त भारतीय क्रिकेट टीमसाठी अर्पण केल्याचा अनुभव प्रत्येक भारतीयांच्या कृतीतून दिसून आला. या मॅचला घेऊन भारतीय प्रेक्षकांमध्ये मोठ्या उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे. आदित्यजी ठाकरे, आज युवा सेना द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया था. आज वर्ल्ड कप, आज हमारे पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है. वर्ल्ड कप को देखते हुए दूर दूर से लोग वहाँ आ रहे हैं और दूर दूर से लोग अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप जो है ये हमारे भारत देश में आना चाहिए. इसके लिए सभी भारतवासी प्रयत्न कर रहे हैं. उसी तरीके से युवा सेना की ओर से आज हमने एक भव्य रैली निकाली गई थी और वैशाली नगर DNA ग्राउंड ये बजरंगबली के मंदिर में एक वर्ल्ड कप हमने जीतना चाहिए. रोहित शर्मा जी के नेतृत्व में वर्ल्ड कप हमारे देश में आना चाहिए और हमारे देश का गौरव बढ़ना चाहिए. इसके लिए बजरंगबली जी की महाआरती का एक आयोजन किया गया है. पूजा अर्चना की गई है और पूजा करके, जैसे सबको पता है कि बजरंगबली जी एक जो बजरंगबली अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं है अकेला. हमारे बजरंगबली जी से यही हाथ जोड़ के विनंती है कि हमारे भारत के जितने भी खिलाड़ी है, जो भी खिलाड़ी है हमारे, उनको शक्ति प्रदान करे, एक दिव्य शक्ति प्रदान करे और भारत देश में वर्ल्ड कप लाया जाए. यही मनोकामना लेके हम बजरंगबली के मंदिर में जा रहे हैं और महाआरती का आयोजन किया गया. तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार.